सख्त करना चाहेंगे। जब डिम्पी ने ये बात बोली ना, इनफैक्ट मेटल में जो रिबाउंड है जो लास्ट 10 दिन से शुरू हुआ है एक बहुत बड़े साइडवेज मूवमेंट के बाद, वो स्टील स्टॉक्स ने लीड किया था। बाजार की पसंद था JSPL, उसके बाद टाटा स्टील और JSW स्टील। डेटा साहब 15-15 दिन के आप ग्राफ दिखाएं इन तीनों के। ये वो टाइम है, ये देखिए, ओके आने वाला है, आ गया नंबर AB कैपिटल, आपकी फेवरेट नंबर। अच्छा आया, देखिए धमाकेदार नंबर आया, 370 से बढ़कर ऑलमोस्ट 490, 100 करोड़ कम से कम लगभग, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू भी ऊपर है, 5600 वाला 6800, अच्छा नंबर आया, तगड़ा नंबर आया AB कैपिटल का, नो वंडर। लेकिन मैं अपने पॉइंट पे जाऊंगा। हाँ ये देखिए, ये जो मेटल में रिबाउंड आया था इसकी लीड किया था JSW स्टील, सेल तो बहुत बाद में, टाटा स्टील बाद में, JSPL JSW स्टील। ये एक राउंड हो गया, लेकिन परसों हमने देखा था फ्राइडे को वेदांता में भी एक चाल आई है। वेदांता में बहुत बढ़िया 5-6% का अपमूव आया, लेकिन आज फॉलोअप नहीं आई, स्टॉक 5 टका गिर गया। क्या ये 300 रुपये के आसपास रुद्रा एंट्री का चांस दे रहा है? वेदांता देखेंगे आप 300 के आसपास। Ajay ji, you should remember 220, 230 we were discussing Vedanta for a target of 280, 300. Vedanta crossed even those levels handsome, 320 gaya. Now Vedanta is taking support at 275, crucial level. Technical chart per with experience if you see, 275 is the support right now on Vedanta. So also stock has now given a breakout above levels of 300. So 300 above, it is a good buy. Current price is 307. So is it a good buy? Yes, because you are closer to that support of 300. So I will be a buyer in current market price in Vedanta. Any dips to strong support zone of around 275, 280 is also a buy, and this stock will see a big momentum move once it crosses a hurdle which is at around 325 to 330 zone. So post 330, a big move can come on Vedanta, but a broad range is now between 275 to 330. So 275 to 330 range break होने के बाद above 330 a big move can come. Right now within the range, I will be a buyer on dips, keeping stop loss below 275. ओके ठीक है, तो वेदांता को लेकर बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रुद्रा आपको बताते हुए इसके स्टॉक्स काफी दिनों बाद रेडार पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अपोलो टायर को देखिए जरा, इनफैक्ट राजेश हमारे लिए अपोलो टायर का चार्ट चेक करके बताएं, क्योंकि इसमें भी लास्ट हफ्ते भर में कुछ इनिशिएट हुई है लॉन्ग पोजिशन, और अभी 15 मिनट में फिर एक बड़ा सा अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये एक बार 350-360 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है? ये देखिए लास्ट 7 दिन में 10 रुपए चल चुका है स्टॉक। बिल्कुल अजय जी, शो की शुरुआत में अपोलो टायर आज हमारा पिक भी था, और ट्रेडिंग टारगेट तो हमने 318-322 तक यहाँ पे प्रोजेक्ट किए। बिल्कुल अपोलो टायर में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक 350 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर वीकली सेटअप मंथली सेटअप पे एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 3 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज के बाद अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुए, तो हमें लगता है ये स्टॉक तो वैसे अगर देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप पे भी एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो 305 के लेवल के बाद स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट, बड़े टारगेट बनना चाहिए, वो 340-345 तक बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 318-322 तक के टारगेट सजेस्ट किए, जो कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं।